देखो इलेक्ट्रोफाइल हमने बताया था बेटा, जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर उसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, इतनी सी बात है बेटा, है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हो। और क्या क्या है बेटा इसके अंदर, क्या क्या कैरेक्टर मिलेंगे इलेक्ट्रोफाइल के अंदर? एक तो हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी भाई इनके अंदर, ठीक है, डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। दूसरा क्या है बेटा, एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी हमने ऊपर लिख ही दिया, एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन एन है वही है, एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन दिखाएंगे, एफिनिटी का मतलब प्रेम। तीसरा चीज है बेटा यहाँ पर, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा इनका, ऑक्टेट कैसा होगा बेटा, इनकम्प्लीट, ये बात, ये वाला कैरेक्टर भी मिलेगा इनके अंदर, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, या क्या मिलेगा इसके अंदर आपको, वैकेंट ऑर्बिटल भी मिलेगा आपको, मिल सकता है वैकेंट ऑर्बिटल, मिल सकता है क्या बेटा, मिलेगा ये वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। और कहाँ पर अटैक करेंगे, विल अटैक, ये अटैक करेंगे बेटा, कहाँ पर अटैक कर सकते हैं, जहां पर इन्हें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, विल अटैक इलेक्ट्रॉन रिच साइट, इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ मॉलिक्यूल, जहां पर इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे वहीं पर ये अटैक कर जाएंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन लवर है, ये हमने शुरू में लिख दिया था। अब देखो टाइप्स देख लेते हैं बेटा, कितने टाइप के होते हैं, जल्दी से लिखेंगे इसको, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सिंपल सी बात है बेटा, है ये ध्यान रखेंगे, जो चार कैरेक्टर लिखा है चारों के चारों पता होने चाहिए, क्या इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बेटा इनके अंदर, कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों से प्रेम करेंगे ये, ऑक्टेट कैसा होगा इनका, इनकम्प्लीट होगा, और वैकेंट ऑर्बिटल दिखाई देंगे, और अटैक कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाई देंगे वहीं पर ही अटैक कर जाएंगे। देखो क्या टाइप देखते हैं इसका, सबसे पहला आता है हमने लिखवाया था बेटा, पहला टाइप कौन सा आता है, जिसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल हो आपका, वैकेंट ऑर्बिटल, या दूसरी चीज क्या हो बेटा उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो, या तीसरी चीज क्या हो बेटा उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी हो उसका, क्या हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पंखा बंद कर दिया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सर स्लाइड पीछे कर दे 1 मिनट। जल्दी से लिख बहुत तेजी के साथ, कर लिया सर, कर लिया। ये बेटा है वैकेंट ऑर्बिटल हो, पॉजिटिव चार्ज हो, या क्या हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, देख लेते हैं बेटा इसके एग्जांपल, हमने कल एग्जांपल देखे थे इसके, आज फिर देख लेते हैं हम इसके एग्जांपल, एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसके, हम क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे जैसे बेटा कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके यहाँ पर, जैसे एच प्लस आयन हो गया आपका, हमने कल लिखा था ये, और कौन सा लिखा था बेटा, सी एल प्लस आयन लिखा था, और बी आर प्लस आयन लिखा था, और एनओ प्लस आयन लिखा था, और सी एच थ्री पॉजिटिव भी लिखा था, और क्या लिखा था बेटा, एनओ टू पॉजिटिव भी आता है इसके अंदर, और आर सी डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव ये भी आता है इसके अंदर, ठीक है। सबके सब क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, वैकेंट ऑर्बिटल भी है सभी के पास, पॉजिटिव चार्ज भी है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है सभी के पास। दूसरा पढ़ते हैं इसके अंदर हम, बड़ा आसान टॉपिक है भाई ये, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कोई समझ में ना आ रहा। दूसरी चीज क्या है बेटा यहाँ पर, ऑक्टेट, दूसरा टाइप इलेक्ट्रोफाइल का, ऑक्टेट कैसे दिखाई दे, इनकम्प्लीट दिखाई दे आपको, इनकम्प्लीट दिखाई दे, और हो क्या, वो न्यूट्रल हो, ऊपर वाले तो चार्ज थे सब, ये कैसे होंगे न्यूट्रल, और वैकेंट ऑर्बिटल भी दिखाई दे आपको, वैकेंट ऑर्बिटल भी आपको दिखाई दे। जैसे इसके अंदर कौन सा आ जाते हैं बेटा, ए एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम AlCl3, AlCl3, ठीक है, और कौन सा लिख देते हैं बेटा, BCl3, AlCl3 को समझते हैं यहाँ पर कैसे, AlCl3 की स्ट्रक्चर ही होती है इस तरीके से, एल्यूमिनियम के अगर आप देखें, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13, 2, 8, 10 और 3, 13, अब 3 है आउटर मोस्ट शेल में तो 3 ही हो, दिखाएंगे बेटा यहाँ पर, 1, 2, 3, और 3 किसके बेटा यहाँ पर, अगर आपको दिखा दे रहा हूँ तो क्लोरीन के हैं, क्या 1,
दो और एक तीन, तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट एल्यूमिनियम की यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितना हो गया, छह, तीन खुद के तीन क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर गए, छह हो गए। जब छह हो गए बेटा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट और न्यूट्रल भी दिखाई दे रहा, वैकेंट ऑर्बिटल भी है इस पे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इस पे आ सकते हैं, ये एलसीएल थ्री और बीएलसीएल थ्री दोनों का एक जैसे है, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं, बोरॉन भी और एल्यूमिनियम भी। सी देख लेते हैं बेटा, इसके अंदर सी कौन सा बैठेगा हमारा, सी बैठेगा वैकेंट ऑर्बिटल वाला, क्या है वैकेंट ऑर्बिटल भी दिखाई दे आपको, और वैकेंट ऑर्बिटल के साथ साथ कैसे हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल है भाई, है वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है इसको थोड़ा सही करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो उसके अंदर, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और कैसे हो बेटा वो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल जैसे इसके अंदर कौन सा आ जाते हैं बेटा आपके, जेड एन सी एल टू आ जाता है, जेड एन सी एल टू, इसमें वैकेंट फोर डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है भाई, एस बी सी एल फाइव एंटीमनी है, एंटीमनी में ये एस बी जो है इस पर भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, एफ बी सी एल थ्री यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास, आयरन के पास, ठीक है, थ्री डी यहाँ पर कौन सा है आपका, फोर डी, जब आप देखेंगे उनको दिखाई देगा आपको, बना के देगा, ठीक है। अब इनका सिक्वेंस में लिखे हो बेटा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ए वाला होगा, इनके चार्ज वाले, दूसरे वाले वो होंगे बी वाले, और तीसरे वाले कौन से होंगे जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, स्ट्रॉन्गनेस के केस में डी वाला सबसे वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। डी को देख लेते हैं, इसके अंदर क्या लिखा था हमने, एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बेटा एनी सी ऑक्टेट कैसा होगा सर, हैं एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्या कह रहे हो भाई दोबारा बताओ, सी जो सी टाइप है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या, नहीं बेटा ऑक्टेट कहाँ है, वैकेंट दे दिया ना, जब वैकेंट वर्ड आ गया वैकेंट कम वैकेंट आता ही ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट हो जाएगा बेटा, तो आपने ऑक्टेट इनकम्प्लीट क्यों नहीं लिखा, दो न्यूट्रल और ये लिखा, इतना तो समझ भी जाएगा रे, इतना तो समझ भी जाएगा, खुद नहीं लिखा कोई बात नहीं, खुद लिख ले, एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सारी चीज लिखने की थोड़ा ही होती है, ठीक है। अभी इसका ऑक्टेट कम ऑक्टेट नहीं दिखाई देना बेटा, ऑक्टेट आठ तक के बीस तक एलिमेंट का दिखाई दे ऑक्टेट, उसके बाद नहीं दिखाई देना तुझे, डी ब्लॉक वाले में नहीं ऑक्टेट दिखाई देता, इस वजह से नहीं दिखाया वहां, तो थरा पहुंच जा, ये देखो बस ऑक्टेट मत लिखना इसके अंदर भाई, बस वैकेंट डी ऑर्बिटल देख लियो, और न्यूट्रल और वैकेंट डी ऑर्बिटल, एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसको फोर्थ को देख लेते हैं बेटा क्या कह रहा है, इसको फोर्थ को ध्यान से देखेंगे हम, देखो SO3 बताया था कल हमने एक एग्जांपल, ये इसका एग्जांपल है SO3, ठीक है। अगर मैं SO3 को बेटा स्ट्रक्चर में ले जाऊँ, SO3 को ऐसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर SO3 की, ठीक है, और अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इधर को इसका बॉन्ड टूट जाएगा, O पे कैसे चार्ज आ जाएगा निगेटिव, S पे कैसे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये इस तरीके से बन जाएगा आपका। तो देखो ये पहली स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग, ये दूसरी स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आज देते हैं इस पढ़ाई में राज, कैमरा तो बंद कर ले भाई अपना, कैमरा बंद कर ले हो, देखो यहाँ पर बेटा ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आर एस, बोल रहा हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, ये दूसरी आर एस है आपकी एसओ थ्री के। अब किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पहले वाले से मैच कर गया, पहले वाले से मैच कर गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा आपका, ध्यान रखना क्या होगा ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को ई पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई, हैं इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि किसी न किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा, सल्फर पे वैकेंट हो गया आपका है, और पॉजिटिव चार्ज भी दिखाई दे रहा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है बेटा इसका सी ओ टू, सी ओ टू की स्ट्रक्चर बनाओ, सी ओ टू की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऐसे दिखाई देंगे CO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो O की तरफ को चला जाएगा, और ये कैसे बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O, O पे नेगेटिव और C पे पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव वाली स्पीसीज सारी की सारी इलेक्ट्रोफाइल होती है बिना सोचे समझे, जो भी पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इसमें तो ये क्या है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल, और इसको ये वाली स्ट्रक्चर नहीं लिखी हुई मिलेगी भाई आपको, आपको मिलेगी यही स्ट्रक्चर लिखी हुई, आप इसी को इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसकी किसी ना किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर एस वन, ये दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आर एस टू,
तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो कार्बन कैसे वर्क कर रहा है, पूरा CO2 मॉलिक्यूल कैसे वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। बस इतना ध्यान देना था मुझे इसके अंदर, इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया आपके कंप्लीट। जैसे एक और देख लेते हैं बेटा हम इसको, इलेक्ट्रोफाइल को, जैसे यहाँ पर आपका है इस तरीके का मॉलिक्यूल, कोई कीटोन एल्डिहाइड टाइप का मॉलिक्यूल है भाई, है ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं। कैसे कैसे वर्क करेंगे देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर भी मैंने बॉन्ड तोड़ा और बॉन्ड तोड़ के मैं ऊपर ले गया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी तरफ कोई बॉन्ड ले जाऊंगा, ये कीटोन भी हो सकता है एल्डिहाइड भी। बेटा ये भी कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। निगेटिव चार्ज भी है वैसे तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल में देखेंगे, कंसिडर करेंगे, न्यूक्लियोफाइल बताने के लिए आ रहा हूँ, अभी तो इलेक्ट्रोफाइल ही बताया मैंने। जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा आपको मॉलिक्यूल, तो वो ये नहीं देगा बेटा लिखा हुआ, यही पूछेगा आपसे क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा या बिल्कुल करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी किसी ना किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही वर्क करेगा। दूसरा आता है बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को बेटा हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं NU नेगेटिव से सिंपली। इसके देखते हैं क्या करेक्टर होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है भैया आपका, इस पर निगेटिव चार्ज होता है आपका, ठीक है। SH इस पर भी निगेटिव चार्ज बना दिया मैंने यहाँ पर, और वाटर इस पर निगेटिव चार्ज मैंने बनाया नहीं इस पे, लेकिन लोन पेयर है बेटा अगर आपको दिखाई दे रहे हो, और H2S इस पे भी क्या, ये H2S बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, H2S इस पे भी क्या है यहाँ पर लोन पेयर है अगर आपको दिखाई दे रहा हो। तो ये सब मैंने न्यूक्लियोफाइल लिखे, तो न्यूक्लियोफाइल को बेटा कैसे रिप्रेजेंट, कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर देखो, पहले कैरेक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पर कुछ, पहला कैरेक्टर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल हुए हैं, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल पहली चीज जो कि आपको दिखाई भी दे रहे होंगे सबके, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे आपको सबके ऊपर, क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया आपको, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ, इनके ऊपर तो दिखाई अलग से दिए ही रहे इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल होंगे। दूसरी चीज क्या होगी भाई यहाँ पर, दूसरा पॉइंट क्या होगा इसके अंदर देख लेते हैं बेटा, न्यूक्लियस लवर होते हैं, न्यूक्लियस लवर, न्यूक्लियस लवर्स का मतलब, न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज लवर भी बोलते हैं इनको, पॉजिटिव चार्ज लवर्स, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं भैया, क्यों अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि इनके पास खुद के पास है तो निगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होंगे जिससे अट्रैक्ट कर लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, एफिनिटी टूवर्ड्स ही होते, इसी के अंदर आ गया चलो, जैसे बेटा जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा कोई पॉइंट नहीं है हमारा यहाँ पर, देखो तीसरा ये एग्जांपल क्या बनेगा यहाँ पर इसका देख लेते हैं। जैसे बेटा ये था हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, और इस तरीके से इस पे कैसा चार्ज है निगेटिव, और इसके ऊपर कैसा है बेटा पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है आपका NH2 निगेटिव, जिसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा आपका, ध्यान रखेंगे क्या है आपका ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल किधर की ओर अट्रैक्ट करेगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज लेवर होता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो गया, बस इतना ही ध्यान रखना बस इसके अंदर भाई। फोर्थ को थर्ड पॉइंट देख लेते हैं क्या है, ठीक है, दे आर आइडेंटिफाइड, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप इनको, दे आर आइडेंटिफाइड बाई द हेल्प ऑफ लोन पेयर, बाई द हेल्प ऑफ लोन पेयर, यानी कि जहां पर भी आपको लोन पेयर दिखाई देगी आप, तो लोन पेयर वाली सभी स्पीसीज क्या होंगी, न्यूक्लियोफाइल होंगी। जैसे बेटा इसके कुछ एग्जांपल लिखा मैं यहाँ पर है, जैसे बेटा CH3 O नेगेटिव, ये बेटा लोन पेयर है इस नेगेटिव चार्ज में है, PHO नेगेटिव, PH बोले तो फिनाइल, और ये है आपका इस तरीके का एक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड करके, ये तीन मिथाइल है, एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये, तीन एग्जाम्पल हो गए। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर इसका, फोर्थ एग्जाम्पल है आपका NH3 पे भी क्या है लोन पेयर है। तो कहने की बात क्या बेटा, ये निगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लोन पेयर होना चाहिए मेन चीज तो ये है। और पांचवा पॉइंट क्या हो जाता है बेटा आपका, RC डबल बॉन्ड OO निगेटिव, निगेटिव चार्ज वाले तो सारे होंगे। या अगला पॉइंट क्या हो जाता है बेटा आपका, RC डबल बॉन्ड OOH, इस पे भी क्या है बेटा आपका लोन पेयर वाले सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे, ध्यान रखेंगे। ये RNH2 ये भी क्या होगा बेटा न्यूक्लियोफाइल, क्यों, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है। एक लास्ट लिख देते हैं हम यहाँ पर RNHR, इसके पास भी क्या है लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर होगा तो क्या होंगे बेटा वो आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अरे एक पॉइंट बना के लिख रहा मैं, नोट बना के इसको ध्यान दे लेंगे, अभी समझाएंगे नहीं लेकिन नोट बना के लिख लो,
ये आपके एस एन वन एस एन टू में आएगी, वहां समझा दूंगा। लिखेंगे नोट बना के, क्या 3 डिग्री न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकते, 3 डिग्री वाले, कोई सा भी 3 डिग्री वाला हो, फिर वो बेस बन जाता है बेटा, 3 डिग्री न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ध्यान रखना। वो क्या कैसे वर्क करते हैं, वो बेस की तरह वर्क करते हैं, न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस ही बताऊंगा बेटा, वो बेस की तरह वर्क करते हैं, बेस की तरह वर्क करते हैं, अभी देखते हैं कैसे होता है। देखो मैंने ये सेकंड 2 डिग्री तो बताया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये 2 डिग्री है, ये बेटा ये कौन सा है आपका, इसको मत समझ लियो आप 3 डिग्री समझ लो, कभी इसको 3 डिग्री समझ के बैठ, ये एच एच मान लेना भाई है, मिथाइल की जगह क्या मान लेंगे आप, इसको एच मान लेंगे, थोड़ा सही कर लेना इसको, अब हटावा बेटा मैं इसको, है ये भी कौन सा है, हटा दो इसको, देखते हैं बेटा ये क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और बेस क्या चीज है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या चीज होती है बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, लोन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाना, क्या है टेंडेंसी, टेंडेंसी टू जनरेट सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बाई डोनेटिंग लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर को देकर सिग्मा बॉन्ड बनाना, जैसे बेटा जैसे इसको समझते हैं क्या है, यहाँ पर ये ओ एच निगेटिव आयन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, ये सी एस थ्री बी आर, सी एस थ्री बी आर है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है निगेटिव, इसके ऊपर कैसा है बेटा पॉजिटिव, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, डोनेट कर देगा इसको, और एक ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगा बी आर निगेटिव, किस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक सी एस थ्री ओ एच बन गया, यानी कि ओ एच ने बेटा इस ओ एच ने इस सी एस थ्री के साथ बॉन्ड बना लिया सिग्मा बॉन्ड, कैसे बॉन्ड बनाया, लोन पेयर को डोनेट करके, ठीक है, तो यही क्या कहलाएगी, फिनोमिना ही न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, यही फिनोमिना न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्यों कहा हमने इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि क्या हुआ इसके अंदर लोन पेयर, यहाँ से लोन पेयर जो होता वो लोन पेयर डोनेट हुआ और एक बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड बन गया आपका, सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बना लेना, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया भाई, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर को डोनेट करके ओ एच ने सी एस थ्री के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बनाने की फिनोमिना टू जनरेट सिग्मा बॉन्ड क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक चीज होती है बेटा बेसिसिटी, बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होती है बेटा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्टिंग पावर, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्टिंग पावर, एब्स्ट्रैक्टिंग पावर, इसका मतलब क्या है भाई, प्रोटोन को खींचने की ताकत, लिख लेना भाई इसको, प्रोटोन को खींचने की पावर, खींचना है, खींचने की पावर, खींचने की पावर, जैसे देखो एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है जी, खींचना, खींचना, जैसे ओ एच निगेटिव है बेटा, ओ एच निगेटिव एच सी एल के साथ रिएक्शन करेगा, वहां ऊपर भी ओ एच ने ही रिएक्शन की थी, यहाँ पर भी बेटा ओ एच ही रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, एच ओ एच बन जाएगा बेटा, और सी एल निगेटिव वाला, तो बेटा ओ एच निगेटिव ऊपर तो कैसे वर्क कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, कैसे न्यूक्लियोफाइल, और नीचे ओ एच निगेटिव कैसे वर्क कर रहा है, बेस की तरह। अब डिफरेंस समझो बेटा क्या डिफरेंस है, देखो न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन के साथ कार्बन को देगा हमेशा, बस न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, कार्बन पे अटैक करेगा, और बेस किस पे अटैक करेगा, एच प्लस आयन पे, ध्यान रखना बस भाई है, बेस क्या होते हैं जो एच प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अगर आपको डेफिनेशन याद हो, ब्रोंस्टेड बेस, एच प्लस आयन एक्सेप्टर नोन एज ब्रोंस्टेड बेस, तो जो ओ एच, जो एच प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस, और जो बेटा किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल, इतना ही डिफरेंस है भाई इन दोनों का, आप याद रखते हैं, समझ गए हो, अगर लोन पेयर कार्बन पे जा रहे, कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनना या कार्बन पे अटैक हो रहा तो उसे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल, और अगर एच प्लस आयन पे अटैक हो रहा तो क्या बोलेंगे उसको, बेस, ध्यान रखना भाई, कार्बन पे अटैक हो रहा अगर न्यूक्लियोफाइल, और एच प्लस आयन पे अटैक हो रहा तो बेस, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे बस भाई। तीसरा है बेटा इसके अंदर आपका, एक हल्का सा भी समझ लेते हैं यहाँ पर, तीसरा क्या करा भाई, अजहर क्या करे भाई, विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, जैसे सीएल है आपका, सीएल पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कैसे, एक दो तीन चार पांच छह और एक सातवा आपका ये, एक सातवा ये, तो ये फ्री रेडिकल है। जिसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो फ्री रेडिकल। बीआर पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा है, सीएस3 पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, आयोडीन पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं ऐसी स्ट्रक्चर बना दूं तो यहाँ ऊपर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं ऐसी स्ट्रक्चर बना दूं न्यूट्रल बनाया तो इस पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा है। जिस पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे जाएगा वही क्या कहलाएगा आपका फ्री रेडिकल। क्या कह रहे थे भैया सर, जल्दी बताओ। सर कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं, पीछे से है का कोई डाउट पूछ लेगा, कुछ डाउट है बस बेटा ये नहीं, नहीं डाउट नहीं है, पढ़ाओ तुम पढ़ाओ। चलो अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा इसने यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल की पूछ रहा है बेटा इसके अंदर है, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, रफ कर रहा हूँ बेटा मैं इसके। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया है इसने यहाँ पर आपका 12.12 वाला है, देख लेना इसको जाके क्या है। ये कह रहा बेटा मॉलिक्यूल आयन न्यूक्लियोफाइल पूछ रहा, देखो ये एग्जांपल है, एक तो दिया उसने HS नेगेटिव, एक दिया बेटा उसने BF3 वाला, एक दिया C2H5 O नेगेटिव वाला, एक दिया उसने CH3 का होल थ्राइज N वाला दिया, ठीक है, और कौन सा दिया उसने Cl+N दिया, और क्या दिया उसने यहाँ पर CH3C(OH)। वो पॉजिटिव वाला दिया और क्या दिया NO2 पॉजिटिव वाला दिया, ठीक है। इनको पूछ रहा बेटा, ये कह रहा है इनको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में आप इसको कन्वर्ट करो। पहले तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल देखो कौन कौन से इनके अंदर, कन्वर्ट करो क्या क्या पहचानो है, इलेक्ट्रोफाइल देखो कौन कौन से इनके अंदर, इतनी सी बात है बस। इलेक्ट्रोफाइल देखो पहचान सकते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल ये है BF3, अभी हमने पीछे लिखा था बेटा, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल ये है Cl+ ion, ये भी हमने पीछे लिखा, पॉजिटिव वाले सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इतना सा आसान सा क्वेश्चन है बस भाई, पॉजिटिव वाले सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गए। तो पूछ रहा है बेटा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पूछ रहा है, निगेटिव वाले सारे न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल C2H5 O नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये क्या दिया इसने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अंदर आपका CH3 का होल थ्राइज N, CH3 का होल थ्राइज N, ये भी क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है, और कौन सा है भाई, सब आगे बस इसके अंदर तीन ही दे रखे थे, इनको देख लेना भैया, ठीक है, इनको चेक कर लेंगे आप। एक और दे रखा है यहाँ पर NH2 वाला है, NH2 नेगेटिव वाला, ये भी किस में आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल के अंदर आ जाएगा, जितने भी निगेटिवली चार्ज होंगे वो सब न्यूक्लियोफाइल होंगे। एक क्वेश्चन और दे रखा बेटा, ये दिया उसने CH3CH(OH) और क्या कह रहा है, CH3CN और क्या कह रहा बेटा CH3I, ये तीन मॉलिक्यूल दिए उसने, और ये कह रहा है इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बताओ, क्या बताओ बेटा, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी कि वो साइट जहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो सकता है वो बताना। इसके अंदर चेक करो पॉजिटिव चार्ज कहां पर जनरेट हो सकता है, यहां पर नेगेटिव रहेगा यहां पर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका ये होगा, ध्यान रखना, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये होगा। इसको मैं ऐसे एस्टेरिक्स मार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, CH3C(OH)। इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वही आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाएगा। CH3I को कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, CH3I, इस पे कैसे चार्ज आएगा, निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वही क्या कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये तीन कार्बन आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जो कि आपको पहचान है, इसके अंदर वो कुछ नहीं करना था, ठीक है, देख लेना भाई इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखो अगला टॉपिक है आपका रेजोनेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट रिएक्शन 10 में से 9 इसी से आपकी हैंडल होती है, इसको देखेंगे जरा ध्यान से समझना भाई, इसको क्या है क्या नहीं, इसमें से भी गुड़गप हो जाए मार सारा का सारा। रेजोनेंस डेफिनेशन क्या होती है बेटा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज रेजोनेंस, लिख लेना बेटा इसकी डेफिनेशन आप जल्दी से, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज रेजोनेंस।
देखो इसके अंदर कुछ केस आते हैं बेटा, आवाज नहीं आ रही सर। अब बोल तो रहानी में कहां से आएगी आवाज? डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नोन एज रेजोनेंस, ठीक है। अभी देखते हैं बेटा इसके अंदर, ध्यान से देखते हैं, इसके अंदर कुछ केस आते हैं। केस वन पढ़ते हैं बेटा पहले, तो केस वन, पांच छह केस बताऊंगा बेटा, छह के छह के हिसाब से आने चाहिए। एनसीईआरटी में तीन केस दे रखे हैं, हम छह केस पढ़ाएं, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री के अंदर छह में से कोई सा भी आ जाता है बेटा इनमें, है सारे रिएक्शन के अंदर हो सकता है, हाइड्रोकार्बन में फंस जाए। देखो पहला केस क्या दिया है यहाँ पर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पे कैसे चार्ज रहने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। देखो इसको, ये पहला केस है भाई, ध्यान रखेंगे आप केस वन। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एस टू पॉजिटिव, इस तरीके से है भाई इसका एग्जाम्पल है। देखो दिखाई भी दे रहा होगा आपको, क्या चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर, डबल सिंगल पॉजिटिव। आपको याद भी ऐसे ही करना है, क्या, डबल सिंगल पॉजिटिव, बस डबल सिंगल पॉजिटिव आपको क्या करना है बेटा इसके अंदर। देखो इस तरीके से आप इस, ये तो एग्जाम्पल हो गया, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है वो सीखना है हमें इसके अंदर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना कैसे सीखेंगे बेटा आप, देखो इसके अंदर क्या चीज है, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड भी जाएगा भाई, टूटेगा पाई बॉन्ड तो इधर आ जाएगा, इसके ऊपर कैसे चार्ज आएगा। अगर आप देखें जिधर से, या जिधर आपका ये सी एच पे तो निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर कैसे चार्ज आएगा आपका पॉजिटिव, और यहाँ पर कैसे चार्ज आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। ये एरो जिधर हेड होता है ना उस पर निगेटिव चार्ज होता है। अब क्या हो सकता है बेटा, निगेटिव, ये निगेटिव जो है इस पॉजिटिव के साथ भी मिल सकता है, और ये निगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ ही मिल सकता है। अब देख लो यहाँ पर क्या है, सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू, ऐसे मिल गया दूसरे वाले के साथ। अगर ये इधर को मिलेगा तो इधर को भागेगी रिएक्शन, अगर ये वाला इस वाले के साथ मिलेगा तो इधर को भागेगी रिएक्शन। और हमें ये वाली स्ट्रक्चर बना के दिखानी नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बनाई है, आप उतार लेंगे। आपको डायरेक्ट ऐसे बनानी है, कैसे, सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एस टू पॉजिटिव, ठीक है। कैसे याद करना है भाई आपको इसको, आपको ऐसे याद करना है, जिधर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होगा उसको तो वन नाम देंगे, उस अगले को दो, उस अगले को तीन। और क्या काम करेंगे आप बेटा, किस तरीके से याद करेंगे इसको आप, इस तरीके से याद करेंगे डायरेक्ट, क्या, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड, और तीन पर पॉजिटिव चार्ज। देखो आपको डायरेक्ट इस वाली से इस वाली पे जाना था बेटा, ये वाली मैंने कहा ये वाली स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी आपको लिखी हुई, आपको डायरेक्ट इससे ये वाली बनानी है, इससे ये वाली डायरेक्ट। और कैसे बनाएंगे आप, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड और तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से एक नंबर किसको देंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। हमें कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूँ बेटा आपको, आपको प्रैक्टिस करनी है जल्दी जल्दी से बना बनाने की। देखो क्या है यहाँ पर, एक दो एग्जांपल और समझा दूँ पहले, उसके बाद प्रैक्टिस करूँगा आपसे। जैसे ये आपका सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एस टू पॉजिटिव, ये है ग्यारह। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कैसे बन सकते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक तो तरीका है भाई, समझ लो पहले इसको, एरो से समझ लेंगे, हैं इसको क्या नाम देंगे, वन, इसको नाम क्या देंगे, टू, इसको नाम क्या देंगे, थ्री। देखो एरो से कैसे समझा जाएगा बेटा, क्या काम करो, इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर लगा दो, ठीक है, या आप इसको ऐसे समझेंगे, इस कार्बन पे कैसा आएगा, तीन पर। डायरेक्ट तो समझा ही दूंगा बेटा मैं एक दो तीन से, लेकिन मैं बॉन्ड तोड़ना भी सिखा रहा, बॉन्ड तोड़ना भी आपसे आना चाहिए। सी एच पे कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव सी एच, और ये क्या बन जाएगा, सी एस टू। ऐसे थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं बेटा इसको, देखो यहाँ पर आप ऐसे समझेंगे बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसे टूटा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव आ गया, और इसके ऊपर कैसा है, पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव मिलके तो बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गया आपका बॉन्ड, और इस तीन कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और फिर बेटा और देखते हैं, बॉन्ड तोड़कर और बनाते हैं, ये बॉन्ड टूटा ऐसे, इस कार्बन का निगेटिव इस पॉजिटिव मिल गया, ये क्या बन गया आपका, ये तो बन गया आपका डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बॉन्ड इस तरीके से आपसे तोड़ने आने चाहिए, ठीक है। तो आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, एक दो तीन से कैसे करना है बेटा, देखो यहाँ एक दो तीन वाला भी कॉन्सेप्ट देख लो, क्या है, एक और दो के बीच क्या लगा बेटा आपने, डबल बॉन्ड, देखो दिखाई भी दे रहा होगा, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड, और तीन पे क्या रख दिया, पॉजिटिव, इस तरीके से बता रहा था बेटा मैं। आगे और भी कर सकते हैं, एक दो तीन, क्या, एक और दो के बीच क्या लगाया बेटा आपने, डबल बॉन्ड, और तीन पे क्या रख दिया, पॉजिटिव। ये तो डायरेक्ट रटने वाली बात है, काम भी चल जाएगा इससे रटने से, लेकिन अगले कुछ केस नहीं बन पाने, तो केस वन है, केस वन तो चल जाएगा बेटा याद करने से। एक और दो के बीच डबल बॉन्ड, तीन पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बना देंगे। जैसे एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसके,
इस कार्बन पे क्या लगा दो बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ठीक है। अब आप एक आपसे जो है बेटा एक और दो तीन, एक दो तीन से ही चलो, उससे थोड़ा आसानी हो जाएगी, तो समझा दिया बस इसे क्या, एक दो तीन ऐसे चलेंगे बेटा, और उधर को चलेंगे इधर को डबल बॉन्ड मिले, दो और तीन डबल बॉन्ड पे आना है बेटा। क्या काम करेंगे आप, एक और दो के बीच तो क्या लगाना है आपको डबल बॉन्ड, तीन के ऊपर क्या रखना है आपको पॉजिटिव चार्ज, ऐसे किया भाई, ठीक है। एक और दो के बीच डबल बॉन्ड, तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे टूटा एरो, एरो भी दिखा देना थोड़ा ताकि समझ में आ गए, आ जाए। दो पे निगेटिव आया, दो का निगेटिव और एक का पॉजिटिव मिलकर तो डबल बॉन्ड बना लिया, तीन पे पॉजिटिव आ गया, ऐसे रखेंगे भाई। आगे करते हैं बेटा इसको, हैं कैसे, इसको नंबर क्या देंगे हम, इसको वन देंगे, इसको टू, इसको थ्री, वही काम करना है हमें हर बार। एक और दो के बीच, एक और दो के बीच तो बेटा डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड लगा दिया और तीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया आपका, ये और बॉन्ड सारे झुके तू रहेंगे। आगे भी करते हैं बेटा, क्या काम करना है आपको, एक और दो के इसको एक दो, इसको दो दो और इसको तीन, जहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको एक नाम देना आपको। क्या करना है इसके अंदर आपको, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड लगाना है, लगा दिया आपने, और तीन के ऊपर क्या लगाना है आपको पॉजिटिव चार्ज, और सारे बॉन्ड झुके तू रहेंगे आपके एज इट इज। आगे भी कर सकते हैं बेटा आप इसको, क्या करना है आपको, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड, ये एक, ये दो, ये तीन, एक और दो के बीच क्या करना है आपको डबल बॉन्ड लगाना है, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, और तीन पे क्या लगाना है आपको पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्ट देखेंगे भैया इसको बस, ठीक है। अब कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। बेंजाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं उसका ध्यान रखना बेटा है, बेंजाइल, बेंजाइल कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, टोटल आर एस 5 बनेंगे भैया, एक जो मॉलिक्यूल होगा खुद उसको भी काउंट करेंगे। पूछना भाई इसमें जल्दी से बताओ कुछ, इस स्ट्रक्चर में कुछ पूछना है क्या, ऊपर वाली बता दो सर ये बेटा, ऊपर वाली एक दो तीन से जाएंगे, देखो एक नंबर तो पॉजिटिव चार्ज को देखना, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड लगाया, देखो एक और दो के बीच ये आगे डबल बॉन्ड यहाँ, और तीन पे पॉजिटिव